गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन। यस, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को शट डाउन कर दें या फिर कंटिन्यू रखें। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, इस टॉपिक का जो हम करने जा रहे थे, टैक्स कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज फोर टॉपिक्स। ओके, जिनमें से हम तीन टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कर चुके हैं। और वो तीन टॉपिक, सबसे पहले हमने कौन सा किया था, मेक और पाई डिसीजन। सेकंड नंबर पर कौन सा किया था, बताओ मुझे, बताओ। ओन और लीज वाला। एंड थर्ड नंबर पर रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट्स वाला किया था। लेकिन आज हमारा टॉपिक है फोर्थ नंबर वाला, हो रहा है शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन। वैसे ना हम ये बात सोचते ही क्यों है कि हम अपने बिजनेस को, हमारी बिजनेस की नौबत आए कि उसको शट डाउन करना पड़े या कंटिन्यू करें ये सोचना पड़े, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जो लॉस है वो को एग्जिस्ट होता है विद प्रॉफिट इन अ बिजनेस। क्योंकि जो बिजनेस के साथ साथ एक लॉस भी चलती रहती है, एक आत्मा हमारे साथ चलती रहती है लॉस की, वो किसी भी क्षण हमारे साथ टपक सकता है। इसी तरीके से अब बिजनेस में सफर लॉस ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एक बिजनेस के बाद बहुत सारी ऐसी कंडीशंस नहीं, ऐसे रीज़न होते हैं कि जहाँ पर आपका बिजनेस जो है वो लॉस गेन कर रहा होता है, गेन नहीं, लॉस सफ़र कर रहा होता है। समझ में आई बात मेरी? माय डियर फ्रेंड्स, पांच बातें आप ध्यान रख लो, अगर वो पांच बातें आपने समझ ली तो आप समझ जाओगे कि किन किन कारणों से आपको लॉस होता है। अगर आपने बिजनेस खोल रखा तो आपको अंदर अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये पांच बातें। बट अगर नहीं भी ना, तब भी आप खोलने से पहले इन पांच बातों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। नंबर वन, फॉल इन डिमांड। चाहते हो आज ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, ठीक है, आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं कि आज के बाद, आज मैं जैसे ही तंत्र मंत्र मारूं और अपने बिजनेस की बिल्डिंग को स्टार्ट करूं, खोल कर बैठ जाऊं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए कि हमें मतलब समझ में ही ना आए बात, ठीक है, रखने की जगह ही ना बचे, इतना प्रॉफिट हो जाए। लेकिन हुआ क्या, आपके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार गिरती गई। तो जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही मार्केट में नहीं होगी, क्योंकि आपका नया प्रोडक्ट है और वो मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पता है किस पे पड़ेगा, आपके प्रॉफिट्स पर। आपके प्रॉफिट होंगे नहीं, लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ फिक्स एसेट्स भी लगा रखी होंगी, रेंट वगैरह भी पे करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो आपके सामने एक बहुत बड़ी भड़क आ जाएगी और वो ये कि अरे ऐसी सिचुएशन में मैं इस लॉस में जीऊँ या फिर क्या करूँ, मैं कंटिन्यू रखूँ। समझ में आई बात? या तो अभी उसी टाइम उसी क्षण आप अपने बिजनेस को बंद कर दो या फिर उसको कंटिन्यू करो, ये सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, फॉल इन डिमांड। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यस, देखो हर एक पर्सन तो ऐसा नहीं है जिसके पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल हो, और अगर अवेलेबल हो भी ना तो हर एक पर्सन ऐसा भी नहीं है जो जितना चाहे उतना मर्जी उसको क्रेडिट पे मिल जाए, अवेलेबल हो जाए बैंक से। अब अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो ना हो तो क्या हो, तो क्या आप अपने बिजनेस को चला पाओगे, क्या अपने बिजनेस में प्रगति कर पाओगे? ना, योर आंसर विल बी नो, मैं कहती हूँ। इसीलिए यहाँ पर भी फिर आपके सामने दोबारा से एक सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे सामने कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं उस बिज़नेस को चलाऊं या बंद करूं, शट डाउन करूं या फिर कंटिन्यू करूं। बात समझ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, सेकंड आ गया ना समझ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। पहला फॉल इन डिमांड, सेकंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, थर्ड नंबर पर आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। यस, देखो आपके बिजनेस, आप बिजनेस जिस बारे में आपने सोच के ये ख्वाब बुने थे कि मैं ये बिजनेस चलाऊंगा, वो करूंगा, आपने चला लिया, आपका अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में आ गई चेंजमेंट। अब इतनी औकात आपकी नहीं कि उस टेक्नोलॉजी को कर लो आप एडोप्ट जो नई आई है, और अगर आपकी नहीं तो फिर वही दिमाग में ये कि तुम इस बिजनेस को शुरू कर तो इतनी बड़ी होप में गए, लेकिन अभी इसको चला पाओगे या शट डाउन करोगे? यस, सेकंड थर्ड पॉइंट भी चेंज इन टेक्नोलॉजी हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड फोर्थ पॉइंट आता है आपका हाई रेट ऑफ टैक्सेस। अरे वाह, ये गवर्नमेंट तो हमें जीने नहीं देगी, हमारे डिमांड इसने कम करके दिखा दी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज ये लेकर आ गए, और अब ये टैक्सेस हाई रेट से, बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँ? अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने आपको बोला ले भाई और ले टैक्स ले,
दरोवर में रख इसको, समझ में आई बात। अब आपके ऊपर टैक्स का बर्डन, बर्डन पे बर्डन पे बर्डन, फिर आप सोच रहे हो कि मैं अपने बिजनेस को शट डाउन करूं या फिर कंटिन्यू लेकर चलूं। यस, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका, वो आता है आपका मिसमैनेजमेंट। देखो आपको पता होगा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अगर बिजनेस में आपको सक्सेस चाहिए तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आई बात। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है तो आप समझ में नहीं आएगा आपको किस तरीके से क्या करना है, कहाँ पर टैक्स प्लानिंग वगैरह करनी है या फिर वैसे भी, और आप क्या कर पाओगे, आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब और आप इतना लॉस इनकर कर जाओगे, सफ़र कर जाओगे कि आपको समझ में नहीं आ जाएगी और वहाँ पर फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि बिज़नेस को बंद करूँ या चलाऊँ, समझ में आई बात। इसी तरीके से जब एक बिज़नेस सफ़र करता है लॉस कंटिन्यूसली, वट एवर द रीज़न ऑफ लॉस मे बी, कुछ भी पांच रीजन्स में से कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर एक बिज़नेस कंटिन्यूसली सफ़र कर रहा है लॉस, द मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड वेदर द बिज़नेस शुड बी शट डाउन और कंटिन्यू। तब मैनेजमेंट के हाथ में होता है ये डिसाइड करना कि अब वो उस बिज़नेस को शट डाउन करे या फिर उसको कंटिन्यू रखे। वाइल टेकिंग दिस डिसीजन द इम्पैक्ट ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। अच्छा जी, जब वो ये डिसीज़न लेने जाता है कि वो शट डाउन करे या कंटिन्यू करे, तो उस टाइम पर टैक्स के प्रोविज़न को वन देखा नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे ही उसको ये पता चलता है कि हाँ उसको डिसीज़न कौन सा लेना चाहिए। तो प्लीज़ एक बार ये बातें और ध्यान में रख लो कि कौन कौन से टैक्स प्रोविज़न है जो उनको ध्यान में रखते हुए डिसीज़न लेता है कि उसको वेदर ही शुड शट डाउन द बिज़नेस और कंटिन्यू द बिज़नेस। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आपको लॉसेस का और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना है कैसे। कह रहा है व्हेन अ बिजनेस एज अ होल इज डिसकंटिन्यूड और क्लोज डाउन। जैसे ही आपका बिजनेस और बिजनेस मतलब पूरा का पूरा बिजनेस वो डिसकंटिन्यू हो जाता है या क्लोज डाउन हो जाता है, तो ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी डेल्ट विद एज अंडर। कैसे, सबसे पहले आप बिजनेस लॉसेस का बैंड बजाओगे क्या। इफ़ द बिजनेस और प्रोफेशन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कह रहा है कि जो डिसकंटिन्यू बिजनेस से आपको लॉस होएगा उसको आप सेटअप भी कर सकते हो उसी प्रॉफिट के अगेंस्ट में, और साथ के साथ आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, समझ में आई बात। पहले आपने किया बिजनेस लॉसेस का कन्यादान कर दिया, अब दूसरे नंबर पर आप कन्यादान करोगे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। इफ़ द बिजनेस और प्रोफेशन हैज़ बिन डिसकंटिन्यू अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाता तो आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या करोगे। नंबर वन, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम अदर अंडर एनी अदर हेड। आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम से या फिर किसी भी इनकम के किसी भी मतलब हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर इनडेफिनेट पीरियड वादर बिजनेस इज कैरिड ऑन और डिसकंटिन्यू। देखो माई डियर फ्रेंड्स, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के आप डिडक्शन ले सकते हो, मीनिंग जब तक वो पूरा का पूरा कैरी जब तक वो पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाए इनडेफिनेट पीरियड तक आप सेट ऑफ कर सकते हो उसको, चाहे आपका बिजनेस कैरी कर रहा है या फिर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हुई बात, अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन अब एक पॉइंट ये बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नाउ लेट अस सी व्हाट इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस और अ बिजनेस एज अ होल। कि डिसकंटिन्यू एक पार्ट का होना और एक पूरे बिजनेस का होना उसका क्या फर्क है, मतलब क्या समझ में आता है आपको। ये वाला टॉपिक हम करेंगे कल, अच्छे से यहाँ तक लर्न करके लेके आना, तभी आप कल वाली वीडियो देखना, क्योंकि जब यहाँ तक आप समझ में आ जाएगा आपको तभी कल वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी, और अभी तक वो जो पीछे वाले मैंने करवाए ना अभी तक मेक एंड बाय डिसीजन वो सारे वाला रिन्यूअल रिप्लेसमेंट वाला सारे के सारे देख के आओ एक बार, क्योंकि आपका ही भला है, समझ में आ रही ना। एक बार रिविज़न करते रहो ना, फटाफट वीडियो देखते रहो फटाफट। कितने मिनट है, शाम को जब सोते हो ना, सोते वक्त जब आप इधर उधर के गाने वगैरह सुनते हो उस टाइम पर एक बार ये वीडियो चला के और सुन लिया करो। जो जो वीडियो देख रहा है उनको ये बात बता रही हूँ, आपने स्प्रेड तो करी नहीं वीडियो कि आप सारी जगह पर फैला दी हो वीडियो कि सब बच्चों का भला हो जाए, ठीक है। आप अपनी तरफ अपने पास ही रखना चाहते हो ना इन वीडियो को, तो रखो जिस भी तरीके से, जिनके पास भी ये वीडियो है वो तो एटलीस्ट अपना भला कर लो, रात को सोते से पहले देखा करो वीडियो, ठीक है। एंड इसी होप के साथ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।